आंगनबाड़ी बचाओ संघर्ष समिति मोर्चा का मंडलीय सम्मेलन का आयोजन सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष गिरीश पांडे, समिति की संयोजिका वीना गुप्ता, महामंत्री नीलम पांडे, कमल श्रीवास्तव के अलावा अन्य पदाधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रहे। सम्मेलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के अधिकार तथा सम्मान दिलाए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति की संयोजिका वीना गुप्ता ने बताया कि सरकार आंगनवाड़ी को समाप्त करना चाहती है। पूरे देश में कुपोषण का खतरा बढ़ रहा है और सरकार आंगनवाड़ी में दिए जाने वाले पुष्टाहार को बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के साथ पेंशन की भी सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा, हम लोग का ये दौरा चल रहा है और उसी दौरे के क्रम में आज हम सब लोग गोरखपुर मंडल के इस दौरे पर आए हुए हैं और आप सब लोगों के बीच में अभी हम लोग अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। जो ट्रेड यूनियन संगठन है एटक, इंटक, सीटू और एचएमएस, इन्होंने मिलकर ट्रेड यूनियन के से संबद्ध जो आंगनवाड़ी संगठन है, आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश सीटू से संबद्ध है, महिला आंगनवाड़ी एचएमएस से संबद्ध है, आंगनवाड़ी वर्कर्स संघ जो है वो एटक से संबद्ध है, इनने संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाया है। तो ये सारे जो है आंगनवाड़ी को वर्कर का दर्जा मिले, न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 मिले, पेंशन मिले, सुविधा मिले, कम से कम 3,000 पेंशन की हमारी मांग है, ये सारी चीज़ें मिले। और आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उन्हें सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी के, उनकी तरह जूते, मोजे, बस्ता, ये सारा सामान मिले और अच्छा भोजन मिले, इसके लिए आंगनवाड़ी बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा संघर्ष कर रहा है। सभी तो मानदेय मांग को लेकर के नहीं, मानदेय की मांग है, दूसरा है कि जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने पूरा जो है 60% बजट काट लिया है और इसीलिए लगातार एक साल से उत्तर प्रदेश में कोई पोषाहार नहीं आया है। कुपोषण की दर लगातार बढ़ रही है, सबसे ज्यादा देश का कुपोषित जिला बहराइच है, जहाँ से हमारी उत्तर प्रदेश की WCD मिनिस्टर भी आती है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि कुपोषण को मिटाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना है। तो ये आंगनवाड़ी बचाओ आंदोलन है, ये हमारे देश और बच्चों के भविष्य के लिए भी है और आंगनवाड़ी वर्कर के और हेल्पर के अधिकारों के लिए भी है। क्या नाम है? वीना गुप्ता, मैं संयोजक हूँ इस संघर्ष मोर्चे की।